तो नाश्ता वास्ता तो हो गया है फ्रेंड्स हमारा मस्त, और ये रही मम्मा, और मैं निकल रहा हूँ बाहर। पता नहीं है मतलब जा रहे हैं आँख के डॉक्टर के पास, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। बाबू गए स्कूल और सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है। यहाँ पे देखिए मम्मा बना रही है कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्या बना रही हो? उपमा बन रहा है यहाँ फ्रेंड्स, ये देखिए उपमा बन रहा है, सब कुछ प्रिपरेशन हो रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट करेंगे उपमा, और फिर देखते हैं दिन भर क्या होते रहता है, और मिलते रहते हैं आपसे ब्लॉग में। बने रहिए और हमारे साथ मस्ती करते रहिए। और आज सुबह सुबह हमारे घर के पास देखिए क्या इंसिडेंट हो गया। नीचे हमारे घर पर आता दूध देने वाला बेचारा, जब लेके जा रहा था तो इतना खराब रोड होने की वजह से स्कूटी हल्का सा फिसला और पूरा दूध उसका मतलब ऑलमोस्ट 10 लीटर से 12 लीटर दूध होगा पूरा गिर गया। कि रोड का क्या होगा पता नहीं है, देख सकते हैं रोड का हालत भी। तो हमारा देखिए यम्मी टेस्टी रेडी हो चुका है उपमा। ओह, ऊपर से गाजर डाला हुआ है। गजरा रे बढ़िया से डाला रे, मस्त यम्मी उपमा टेस्टी। क्या हो रहा है, मस्त यम्मी टेस्टी उपमा खाएंगे। सुंदर सुंदर हाथों से बना हुआ उपमा। मुस्कुरा रे खाएंगे गजरा वाला उपमा रे। गजरा मतलब गाजरा। और हम अंकल यहाँ थोड़ा सा पीते हैं अभी चाय, मस्त चाय बनाए हैं। चाय पी के अंकल फिर अपना चोटी जुल्फ लहराएंगे। तो नाश्ता वास्ता तो हो गया है फ्रेंड्स हमारा मस्त, और ये रही मम्मा, और मैं निकल रहा हूँ बाहर। पता नहीं है मतलब जा रहे हैं आँख के डॉक्टर के पास, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, जाके दिखा के आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल निकलते हैं फटाफट, 11 बजे बैठने का टाइम है, 11 बज चुका है, ठीक है ना। जाते हैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आँख में, फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। बस आएंगे नहीं भाई 18 साल हो गया, फिर मतलब अपना जगह था ना। यहाँ पर आप स्टार्टअप कर सकते हैं, बैंगलोर में थोड़ा दिक्कत है, अपना काम अपना है। वहाँ लिविंग स्टाइल भी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, यहाँ पे अपना सब कुछ जाना पहचाना, सब कुछ स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से। हाँ नहीं है सर, आपका आँख बहुत ही अच्छा है, आप वो बायोमेट चलाते रहिए दोनों आँख में, ठीक है। और चूंकि आपका शुगर बीपी है, बायोमेट भी चलता है, तो जस्ट 6 महीने में एक बार आपको दिखा देंगे रूटीन चेकअप। अभी आप खाली चश्मा चेंज करिए, उनको कोई दवाई नहीं देने की जरूरत है।
यहाँ का कलेक्शन है ये चश्मा का, तो डॉक्टर से तो ऑलरेडी मिल लिए, अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या। आई थिंक ग्लास चेंज करना है कि नहीं करना है, अभी क्या लिखे हैं, पावर चेंजिंग है, नहीं बोले पावर तो चेंज नहीं है, देखिए एक बार। ओके लेकिन थोड़ा अगर ये वाला लगाते हैं आप, हाँ हाँ ज्यादा बेटर, ठीक है देख लेते हैं एक बार, डिसाइड कर लेते हैं फिर। कोई फर्क नहीं, माइनर है ना, ठीक है चलिए, थैंक यू सर। फ्रेंड्स ऐसा सीन है कि जहाँ भी लेडीज़ हो तो वहाँ पता ही क्या होने वाला। तो सीन ऐसा है कि हम लोग कहीं आए थे, फादर का मतलब बगल से मेडिसिन लेना था, वाइफ साथ में थी, उसको दिख गया नया दुकान, क्या चीज़ का, कपड़े का, तो ये देखिए, तो यहाँ पे खड़ी हो गई है और यहाँ मैम है, तो लगता है नया खुला हुआ है ना, कब कितना दिन हुआ, वन वीक, तो अभी आपका सामान वाना आना बाकी है ना, चलिए अच्छा है, नज़दीक में घर से नज़दीक भी हम लोग का तो हाँ, किचन वगैरह भी चलता है, तो खाने वाने का भी जैसा भी रिक्वायरमेंट रहा, सिंपल खाना में से रोटी सब्जी रहा, चाहे दाल चावल सब्जी रहा, सावन का महीना तो वेज है, तो मतलब हम लोग का वो भी चलता है, घर का खाना है जैसा आपको चाहिए पूछ लेते हैं कैसा चाहिए, कोई जैसे तीखा खाते हैं तो जैसे नॉर्मल चाहिए, कम मसाला में चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड, यही खासियत होता है, हम लोग आए थे मैडम के पास कपड़ा का बात करने, ये अपना मार्केटिंग करने लगी खाने का। फ्रेंड्स अभी भी घर पहुंच गए हैं और अच्छा से जानती हूँ वहाँ का, अच्छा से बहुत अच्छा डॉक्टर है। खैर हम लोग को तो पहले से मालूम है, बिकॉज रीज़न ये है कि इसका भी टेस्ट कराए थे आप वहीं पे, बाबू का भी वहीं पे कराए थे, बाबू का तो वहीं पे कराए थे, चश्मा वगैरह सब कुछ वहीं से बनवाए थे। तो आप वीडियो में देखोगे ही, देख ही होगे कि बहुत ही फैमिलियर है, मतलब हर एक जो भी इशू है एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए पापा को, उनका कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। सेम ग्लास भी चलेगा, माइनर है, अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज भी करवा सकते हैं, समझिए। जो बिरसा चौक से आप खूंटी रोड में घुसिएगा, तो बिरसा चौक से जैसे ही बढ़िएगा आगे खूंटी रोड की तरफ, पहला लेफ्ट साइड में HP पेट्रोल पंप है, उसके पहले ये है डॉक्टर विक्रम भल्ला, डॉक्टर भल्ला के नाम से ही सब कुछ जानते हैं, बट बाबू के टाइम से इसके टाइम से हम लोग खुश हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, भीड़ रहता है बट टाइम नहीं लगता है, मेन चीज़ ना भीड़ बहुत है बट टाइम नहीं लगता है, फटाफट हमको लगता है कि गए थे, भीड़ होते हुए भी हमको लगता है आधे घंटे में सब कुछ निपटा के वापस आ गए। चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए और इसी तरह मस्ती करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, और अभी तो दिन बाकी है और दिखाएंगे आपको, इसको तो बोल रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने हैं तो बना ही नहीं रही है ब्लैक कॉफ़ी, पर मैं नहीं पी पाऊंगी आपके, तो तुमको कौन पीने बोल रहा है, अब जो चीज़ है तो मैं करूँगा तुम भी करोगी, ठीक है। फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए। और प्रोग्रेसिव में क्या है, पूरा सरफेस में पावर रहता है पर दिखता नहीं है गोल, इसमें गोल नहीं दिखे, समझे, फ्रेम पहले दिखा दे तो उसके बाद फिर तो गिला तो समझिए गए, अगर बिना गोल वाला लेना है तो प्रोग्रेसिव लेंस आपको बनाना है, इसमें फाइनली घर में बैठे हुए थे, सोचे सब हो ही गया है तो फिलहाल चश्मा का भी काम कर लिया जाए, तो आ गए फिर अरगोड़ा अपना फ्रेंड के शॉप पे, और यहाँ फाइनल कर लेते हैं फ्रेम, ये भी ठीक आया, ये भी सही ना, ये भी ठीक लग रहा है, इसी का देखिए, इसी का डिजाइन, ये भी है, ये बहुत मतलब सुंदर है, स्टैंडर्ड है, कोई काम में देरी क्यों, फटाफट इसको खत्म ही करते हैं ताकि ये अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स अभी पापा का चश्मा का भी काम हो गया, आँख भी दिखा लिए, कल चश्मा भी उनका मिल जाएगा, इसका भी चश्मा हो गया, बदमाशा का सबका हो गया, कहानी खत्म, आज कहानी खत्म मतलब सबका चश्मा का कहानी खत्म हो गया, आज का ब्लॉग यानी स्टोरी ओवर, स्टोरी आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और क्या होता है इसका चश्मा जानते हैं, इतना बदमाश है ना, दो तीन चश्मा गायब करके रखा है, खोजता नहीं है, देख रहे हैं, देखिए कितने, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और प्लीज 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 सपोर्ट करो फ्रेंड्स, एकदम तहलका मचा दो, ऐसा लगे सही बात लग करते ही नहीं हो, तहलका मचा दो, है ना बेटा।